तो हे मेरे पोके फ्रेंड्स, तो यार आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने, बहुत दिनों से अपलोड नहीं है, तो यार इसी वीडियो पे हम लोग काम कर रहे थे, तो हम लोग से तुम लोग समझ ही गए होंगे कि मैं अकेला बंदा नहीं होने वाला हूँ, तो यार आगे वीडियो को देखो कि पता चल जाएगा। तो आज का जो टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है क्या ग्रेनिंजा और सरीना वापस आएंगे गैलार रीजन में। तो यार आज के वीडियो में मैं इस टॉपिक पे बोलने वाला अकेला बंदा नहीं हूँ, मेरे साथ और एक बंदा है और तुम्हें वो अच्छे से जानता है, मतलब तुम लोग उसे अच्छे से जानते हो, और वो है पोकेवर्स एक्स भाई। तो यार तुम लोग इसे अच्छे से जानते होंगे यार, मतलब बहुत बड़ा यूट्यूबर है यार, मतलब भाई है अपना। तो यार तो बहुत मज़ा आने वाला है आज की थियोरीज में। तो यार अगर अब तक लाइक नहीं किया तो जल्दी जाके लाइक कर दो, क्योंकि मैं ऐसे ही कंटेंट लाता रहता हूँ रोज़ के रोज, डेली अपलोड्स तो ट्राई करता हूँ। और सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी जाके सब्सक्राइब करो, और रोज़ बाजू के बेल आइकन को दबाओ ताकि मेरे लेटेस्ट से लेटेस्ट नोटिफिकेशन उन लोग को मिले। और पोकेवर्स भाई की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, चेक कर सकते हो, उसकी तो ज़रूरत नहीं। और आज के वीडियो का लाइक एम रखते हैं 200 लाइक्स का, मुझे पता है तुम लोग कर दोगे। सो हमारी थियोरी की तरफ बढ़ते हैं और लेट्स गेट स्टार्टेड। पहले हम बात करते हैं पहली थ्योरी के बारे में, जिसके कारण जो ग्रीन निंजा है वो वापिस आ सकता है गैलार रीजन में। पर यार वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं बता देता हूँ कि ये जो थ्योरी है वो मेरे को भेजा है पोकेमोन थ्योरीज ने। तो अगर आपको पोकेमोन थ्योरीज के बारे में नहीं पता है तो मैं बताता हूँ, ये बहुत अच्छी पोकेमोन की थ्योरीज बताते हैं। तो अगर आपको पोकेमोन थ्योरीज जानना है तो इनके चैनल को चेकआउट करना मत भूलना, बहुत ही ऑसम थ्योरीज रहती है, और इनकी जो चैनल की लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में, तो चेकआउट करना मत भूलना यार। और थैंक्स जो कि तुमने मेरे को ये थ्योरी दी। सो गाइस, इस थ्योरी में ये कहा गया है कि जो पोकेमोन गैलार और जो पोकेमोन गैलॉस है वो आपस में रिलेटेड है। पोकेमोन स्वॉर्ड एंड शील्ड का ट्रेलर देखने के बाद आप लोग के माइंड में भी ये क्वेश्चन आया होगा कि क्या ये पोकेमोन एक्स एंड वाई जैसा होने वाला है, क्योंकि इस रीजन का जो कल्चर और जो पोकेमोन के डिज़ाइन हैं वो काफ़ी यार एक्स एंड वाई जैसे हैं, और इसका जो मैप है वो भी एक्स एंड वाई से काफ़ी मैच करता है। तो ऐसा हो सकता है कि जो एक्स एंड वाई और जो पोकेमोन गैलार है वो काफ़ी आपस में रिलेटेड हों। सो गाइस, हम सबको पता है जो गैलार रीजन है वो यूके के ऊपर बेस्ड है, और जो कैलॉस है वो फ्रांस के ऊपर बेस्ड है, और यूके और फ्रांस की दूरी बहुत ज़्यादा कम है, और वो दोनों एक टनल के थ्रू जुड़े हुए हैं। सो गाइस, अगर ये रियल लाइफ में हुआ है तो पोकेमोन में भी हो गई एक टनल होगा जो कि गैलार और कैलॉस को जोड़ता है। तो ऐसा हो सकता है कि जो ग्रीन निंजा है वो उसी टनल के थ्रू वापिस आ सकता है गैलार रीजन में, और ऐसे मिल सकता है। सो गाइस, अब हम देखते हैं कि क्यों सेरेना वापिस आ सकती है गैलार रीजन में। सो है मेरे पोके फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो अभी मैं समझाने वाला हूँ कि सरीना कैसे वापस आ सकती है अपने गैलार रीजन में। तो यार अभी बता देता हूँ कि पोकेवर्स ने जैसे कहा था कि ग्रेनिंजा उस टनल के जरिए आ सकता है जो गैलार और कार्लोस को जोड़ती है, तो यार तो सरीना भी उस टनल से आ सकती है, एक पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो अभी तुम सबके मन में एक सवाल होगा कि भाई देख, सरीना अभी कार्लोस रीजन में नहीं है, वो अभी होएन रीजन में है, उधर है, तो वो कैसे आ सकती है कार्लोस में। तो यार देखो, पहली चीज़ एक बात अपने मन में याद रखना कि सरीना का जो ये है ना अपना होम टाउन, या फिर घर भी कह सकते हो, या फिर होम रीजन कह सकते हो, तो वो कार्लोस है। तो यार वो कभी भी अपने घर तो जा सकती है, और अभी जब वो अपने घर जाएगी तो देखेगी अगर टीवी पे या फिर कहीं पे भी देखेगी चैम्पियनशिप गैलार का वगैरह वगैरह जो भी है, अगर उसमें उसको ऐश दिख गया तो वो कहेगी ना कि मैं जा रही हूँ गैलार, मम्मी मैं गैलार जा रही हूँ, तो क्या मैं जा सकती हूँ। तो यार ये पहली पॉसिबिलिटी हो सकती है ऐसे। और अभी कैसे वो ट्रैवल कर सकती है, देखो सबसे पहली चीज़, गैलार में जाने के लिए एक टनल है अभी, मतलब हमें कंफर्मेशन तो नहीं मिली बट टनल है, तो टनल से जा सकती है, जैसे ग्रेनिंजा आ सकता है, या फिर वो बोट शिप प्लेन कहीं से भी आ सकती है। तो ये होती है पहली थियरी कि कैसे सरीना आ सकती है हमारे गैलार रीजन में। ओके, सो गाइस, अब हम चलते हैं सेकंड थ्योरी के ऊपर। वैसे ये कोई थ्योरी नहीं है, ये बस मेरा ओपिनियन है जो कि शायद सच हो सकता है, और यार ये थ्योरी हम फैंस के ऊपर ही बेस्ड है। सो हम सब फैंस चाहते हैं कि जो ग्रीन निंजा है वो फिर से वापसी करे, और ग्रीन निंजा की कितनी ज़्यादा पॉपुलैरिटी है हम सब जानते हैं, हर जगह उसके फैंस मिल जाएंगे आप लोग को। बच्चे से पूछ रहो, बड़े से पूछ रहो, तुम्हारा फेवरेट पोकेमोन कौन सा है, सब लोग एस ग्रीन निंजा ही बोलते हैं। कितनी ज़्यादा हाइप्ड है भाई उसकी सबके बीच में, मेरी भी है, मेरा
मेरा भी फेवरेट पोकेमोन है यार वो, और हम सबका है यार, मेरा ही नहीं हम सबका है। तो ऐसा हो सकता है कि पोकेमोन कंपनी ये सब पॉइंट्स को ध्यान में रखे और फिर ग्रार रीजन में एस ग्रीनिंजा की वापसी करवा दे। सो गाइस, ऐसा हो सकता है कि पोकेमोन सन एंड मून में एस ग्रीनिंजा वापस नहीं आए हैं, तो ऐसा हो सकता है कि वो पोकेमोन स्वॉर्ड एंड शील्ड में वापसी करे। और यार फैंस भी वैसी हैं, पोकेमोन वालों को मारते हैं भाई, वो जोर जोर से मारते हैं कि यार तुम लोग लाओ यार ग्रीनिंजा को वापस लाओ, हम सबका फेवरेट पोकेमोन है यार वो, और यार पोकेमोन कंपनी फिर से हम लोग को निराश क्यों करेगी। पोकेमोन सन एंड मून में तो उसने भाई चप्पड़ खाए, जो खाया खाए यार, लोग ने इतना बका है उसको पोकेमोन कंपनी को कि तुम लोग ग्रीनिंजा को वापस नहीं लाओ, तो पोकेमोन कंपनी फिर से वो चीज़ तो दोहराएगी नहीं और अपना फिर से बेइज्जती करवाना नहीं चाहती। तो ऐसा हो सकता है कि इसी कारण पोकेमोन स्वॉर्ड एंड शील्ड में हम लोग को ग्रीन निंजा देखने मिले। तो अब हम देखते हैं सेकंड पॉइंट, जिसके कारण जो सेरिना है वो वापस आ सकती है पोकेमोन स्वॉर्ड एंड शील्ड में। तो अभी तुम लोग ने सुना कि पोकेवर्स ने जैसे कहा कि ग्रेनिंजा आ सकता है उसकी दूसरी थियरी में, तो अब मैं भी बता देता हूँ सेरिना की दूसरी थियरी की वो कैसे वापस आ सकती है। तो पहले थियरी में मैंने कहा था कि वो कार्लोस में आएगी तब उसे पता चलेगा, बट अभी इस दूसरी थियरी थोड़ी अलग है। तो यार दोस्तों, जैसे तुम लोगों को पता है कि पोकेमोन कंपनी ने जनरेशन 7 को जब क्रिएट किया था, यानी सन एंड मून जिसे तुम लोग नाम से जानते हो, तो सन एंड मून को जब क्रिएट किया था तब उसमें उसको बहुत ही अलग बना दिया था यार, अलग जनरेशन से बाकी जनरेशन से। तो सन एंड मून को क्रिएट किया तो उसका प्रोस्पेक्टिव थोड़ा अलग है सन एंड मून का, यानी उसमें कोई जिम्स नहीं, उसमें ट्रायल्स है। तो अगर तुमने गेम्स खेले होंगे तो तुम लोगों को पता होगा और एपिसोड्स देखे होंगे तो तुम्हें और अच्छे से पता होगा। तो यार तो मेरा कहना ये है कि जब से कार्लोस रीजन आया है तब से सेरिना को इंट्रोड्यूस किया, तो सेरिना सबकी फेवरेट पोकेगर्ल बन चुकी है। और जब एश ग्रेनिंजा को इंट्रोड्यूस किया था, एश ग्रेनिंजा भी बहुत फेमस हो चुका है, तो ये एक पॉसिबिलिटीज होती है कि उनका जो फैन बेस है वो बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा लेवल का है, तो उन्हें मतलब बोल सकते हैं मतलब कि उन्हें वापस लाना ही होगा। तो अभी तुम लोग देख सकते हो जितने भी पोकेगर्ल्स को इंट्रोड्यूस किया गया है उनका कहीं ना कहीं पे तो कौन से रीजन के लिए, यानी छोटे से एपिसोड में कि छोटे से पार्ट के लिए भी उनका रिकैप हुआ है। और तुम लोग ये भी कह सकते हो ब्रॉक तो शिनो तक था, उसका रिकैप था। फिर वाइट एंड ब्लैक यानी जनरेशन 5 में अगर तुमने एपिसोड नहीं देखा तो वो क्लेमेंट से मिलता आता है, सॉरी क्लेमेंट नहीं है उसका नाम क्या मेरे को भी याद नहीं, तो वो उससे मिलता है। और फिर डायरेक्ट उसका सन एंड मून में इंट्रोड्यूस किया गया था। तो ये था ब्रॉक, ये लोग आए थे, डॉन भी आई थी, फिर और भी मे भी आई थी डायमंड एंड पर्ल में। तो अब तक सिर्फ सेरिना का नहीं हुआ है, और सेरिना एक ओवर रेटेड पोकेगर्ल है, यानी इसका उसकी जो रेटिंग्स है उसका फैन बेस बहुत है। तो यार कहीं ना कहीं से तो ऐसे मन में फीलिंग आती है कि सेरिना आ सकती है यार वापस, मतलब एकदम आ सकती है, ग्रेनिंजा भी वापस आ सकता है क्योंकि सेरिना से भी ज़्यादा ग्रेनिंजा का फैन बेस है। तो यही थियरी होती है कि मेरी सेरिना और ग्रेनिंजा वापस आ सकते हैं इस बेसिस पे। तो तुम लोग मेरे को बताना कमेंट सेक्शन में हम लोगों को कि तुम्हें कौन सी थियरी पसंद आई, ग्रेनिंजा की कौन सी थियरी पसंद आई और सेरिना की कौन सी थियरी पसंद आई कमेंट सेक्शन में। तो यही थी दोनों थियरी। सो गाइस, ये थी वीडियो। अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आती तो इस वीडियो को जल्दी से लाइक कर दो, और ऐसी और भी पोकेमोन की ऑसम वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। पोकेवैक्स का चैनल का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, तो जाके सब्सक्राइब करना यार उसको, और मेरे को भी सब्सक्राइब कर दो, ऐसी एनिमेस वीडियोस और पोकेमोन की वीडियोस मिलते रहती है। तो चलो यार, अब मैं चलता हूँ, टाटा बाय, सी यू नेक्स्ट टाइम, पीस आउट एंड गुड बाय।